सो प्रोग्रामर्स विद दिस एग्जाम्पल यू कैन राइट एन टेबल, जैसे कि आपको टेबल लिखना है 3 का तो आप 3 का टेबल लिख सकते हो, 4 का तो 4 का लिख सकते हो, या फिर 100 का तो 100 का भी लिख सकते हो, या फिर 88 का, 99 का, जो भी डिफ़िकल्ट वन भी होते हैं वो सारे आप लिख सकते हो। ये प्रोग्राम में हम यूज़ क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम एक ऐसा 10 फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का यहाँ पर कैलकुलेटर टाइप का बना रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि इंटर करेंगे वैल्यूज़ को यूजर के थ्रू। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सीन ले रहा है n, मतलब यूजर के थ्रू हम इंटर कर रहे हैं नंबर, उस नंबर का हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं उसका टेबल। जैसे हमें इसे रन करा करके आपको दिखाता हूँ, कंपाइल करा करके एक बार देखते हैं कंपाइल कराने में क्या शो करता है। यदि कोई एरर ना हो तो हम लोग रन के साइड में जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले कंपाइल में आते हैं, कंपाइल ट्रू है, कंपाइल में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रन कराते हैं, रन कराने में क्या दिक्कत है, देखिए दिक्कत तो नहीं है अब यहाँ पर रन कराने में, रन कराने में हम लोग देख लिए। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग 3 प्रेस करते हैं, चलिए 3 का हम लोग यहाँ पर टेबल देखते हैं, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, ऐसे पूरा 3 10 जा 30 तक, 10 तक हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। आप उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं 20 40 जितना इंक्रीज़ करना चाहें। मैं आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ, जैसे आप फिर से यहाँ पर हम एक बार फिर से रन कराते हैं, और रन कराने पर हम लोग देखते हैं अभी 77 का ये जो है टेबल, तो ये 77 का टेबल भी दिखा रहा है, 77 इंटू 10 इक्वल टू 770। अब इसे हम देखते हैं कि प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके रन क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है। तो क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर करने के लिए दो टाइप इंटीजर वेरिएबल हमने लिया हुआ है, आई और एन, ये दोनों इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और यहाँ हम लोग सी आउट दे रहे हैं, मतलब प्रिंट कर रहे हैं, यूजर से कह रहे हैं कि इंटर द नंबर टू फाइंड द मल्टीपल, मल्टीपल करने के लिए हम लोगों को यूजर के थ्रू में इंटर करना है नंबर। अब यहाँ सी इन एन है, मतलब कि एन वैल्यू हम लोग उस जो यूजर इंटर करेगा वैल्यू वो एन में जाकर के सेव हो जाएगा, एन का उतना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 इंटर किया तो 5 एन का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर फॉर आई इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर आई 4 का जो है लूप है, वो लूप हम लोग चला रहे हैं, यहाँ पर आई 1 यहाँ पर रहेगा, आई का वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो गया, फिर आई को 11 टाइम तक आई को यहाँ पर चेक करेगा आई लेस देन 11 है या नहीं। यहाँ पर फोर लूप का अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो आप देख सकते हो, फोर लूप में क्या होता है कि जैसे आप आई का यहाँ पर देखते हो तो आई का वैल्यू 1 है तो उसे फिर से चेक करता है कि 1 इज लेस देन 11 और नॉट, 1 11 से लेस है या नहीं, तो वो 11 से लेस होगा तो उसके अंदर में आकर के सी आउट करता है, तो वो सी आउट कर जाएगा ये एन, एन कितना वैल्यू जो इंटर किया हुआ है वैल्यू यूजर के द्वारा वो, और उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद आई का वैल्यू प्रिंट करेगा। आई जो है वो वैल्यू है आई इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास पहले 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, 5 एस्ट्रिक 1 प्रिंट करेगा और इक्वल्स कर देगा 5 एस्ट्रिक 1 जो है उसको यहाँ पर सॉल्व करेगा। मतलब इस स्टेटमेंट का जो सी आउट वाला जो आप देख रहे हो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले प्रिंट करेगा एन को, उसके बाद एस्ट्रिक को प्रिंट करेगा, एन का जो वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर एस्ट्रिक जो है उस एस्ट्रिक एक्चुअल एस्ट्रिक जो यहाँ पर डबल कॉलम के अंदर में लिखा हुआ रहता है उसी को प्रिंट करता है, ठीक है। तो उस एस्ट्रिक को प्रिंट करेगा, उसके बाद यहाँ पर 1 को फिर जो है बाद में, क्योंकि आई का वैल्यू अभी 1 है तो उसे 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद में वो इक्वल साइन को प्रिंट करेगा, उसके बाद में क्या करेगा एन एस्ट्रिक आई, एन जो है उस एन का आई के साथ में मल्टीप्लीकेशन करेगा और उसके बाद में उसे प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पर पहले 5 था तो 5 इंटू 1 करेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, उसका जो वैल्यू आएगा उसे यहाँ पर प्रिंट करेगा। उसके बाद इंडेल, मतलब नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, क्रसर नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद फिर से फोर लूप में ऊपर आएगा और आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई का वैल्यू इंक्रीज करके फिर अभी कर देगा 2, फिर अभी सी आउट करेगा 2 के साथ में 5 इंटू 2, अब 5 इंटू 2 जितना आएगा वो प्रिंट करेगा। अब देखते हैं इसे हम यहाँ पर आई का वैल्यू, हम फिर से अब मैं आपको एक बार रन कराकर दिखाता हूँ, फिर मैं वैल्यू चेंज करूँगा आई जो आई लेस देन 11 है उसे, अभी हम यहाँ पर 5 का करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10 ऐसे करके यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर जो 11 है उसे यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ। आपको यहाँ पर ये सोचना नहीं है कि 11 क्यों लिखा हुआ है, 10 क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो 10 भी आप लिख सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर लेस देन बस चेक कर रहे हैं, मतलब 11 से लेस देन क्या है 10 तक है। अगर यहाँ पर आप इक्वल्स टू यहाँ पर इसे 10 के जगह में, मतलब 11 के जगह में अगर आप यहाँ पर 10 लिखते हो और 10 के यहाँ पर लेस देन के जगह में लेस देन के साथ में इक्वल्स टू भी अगर डालते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इक्वल्स टू डाल रहा हूँ, तो अभी भी वही चीज़ शो करेगा जैसे पहले शो कर रहा था, क्योंकि वो अभी तक इक्वल टू में, मतलब 10 का इक्वल टू में भी जाएगा, 10 भी अगर रहेगा तो भी वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर अभी फिर से 4 का देखते हैं तो 4 के साथ में 10 के 10 तक यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। अब इसे 10 को हम लोग चलिए 20 करके देखते हैं, अब क्या करेगा, अब 20 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई करेगा, 20 टाइम्स के बाद में प्रिंट करेगा, हर बार अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसे यहाँ पर अब रन हो चुका है, देखिए
हम यहाँ पर डालते हैं 6 का, तो 6 का जब 20 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो जस्ट यही है मल्टीप्लिकेशन के लिए, आप यहाँ पर फर्स्ट 10 मल्टीपल, फर्स्ट 20 मल्टीपल जो भी है उसे यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो।